नमस्कार, मैं नील सकरवाल और कक्षा 12 में 145 डे में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, उनके न्यूमेरिकल हम करेंगे अब, जिसमें एक न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसको हम सोल्व करेंगे। और क्या है इसमें, यदि एक सम उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर हैं तथा अपवर्तनांक 1.6 है तो लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति के लिए हमने पिछली क्लास में बात की थी कि शक्ति ज्ञात करने के लिए हमें एफ चाहिए, और एफ ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था जो लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f की फॉर्म में, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ इसके अंदर यूज कर रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस समीकरण में हमें मान पुट करने हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, सम उत्तल लेंस की, सम उत्तल का मतलब इस तरह का लेंस है, इस तरह का लेंस है। तो इसकी वक्रता त्रिज्याएं का मतलब दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों ही बराबर है, 10 10 सेंटीमीटर हैं। तो इसके दो r1 r2 इधर होते हैं, ये r1 है 10 सेंटीमीटर है, ये भी इधर r2 है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से दिखाई दे रहा है, हम सी से चलेंगे, इस दिशा में चलेंगे तो प्लस और इस दिशा में चलेंगे तो माइनस। तो यहां से r1 का जो मान है वो तो क्या है, r1 का मान 10 सेंटीमीटर है और r2 का जो मान है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर है। म्यू का मान हमें दे रखा है 1.6 है, तो मान रख दो इसके अंदर 1/f इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 इंटू 1/10 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/10, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इधर 0.6 आ गया। आप कैलकुलेशन आप खुद कर लें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इसमें। ये 2/10 हो जाएगा, 2/10 यानी 1/5 आ गया, तो 0.6/5 ये जो वैल्यू है वो किसकी है, 1/f की है। और 1/f ही किसके बराबर होता है, 1/f जो है वही p के बराबर होता है। तो यही शक्ति का मान है, ऐसा नहीं है कि पहले उल्टा करके निकाले। अगर आपको फोकस दूरी पूछी है तो पहले आप इसको रिवर्स करके एफ निकाल सकते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन में हमें शक्ति डायरेक्ट पूछा गया है तो डायरेक्ट पी का मान हम यहाँ से सोल्व करके निकाल सकते हैं। ये पी का मान जो भी आएगा वो पी का मान आ जाएगा डायरेक्टर की फॉर्म में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर है। ये लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी एवं शक्ति क्या होगी। तो अपने को लेंसों के लिए दे रखा है कि फोकस दूरियां दे रखी है क्रम से, संपर्क में रखे हैं, इसका मतलब संपर्क वाला फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है। संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, परिणामी फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है, शक्ति भी, दोनों ही बातें ज्ञात करनी है बीम में। जब हम 1/f निकालते हैं तो डायरेक्ट वहां से शक्ति आ जाती है, तो दोनों चीजें आ जाएंगी। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ उत्तल अवतल नहीं लिखे हैं लेकिन प्लस माइनस लिख दिया है, तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, जैसा प्लस माइनस दे रखे वैसे रखना है। तो f1 की वैल्यू कितनी है, प्लस के 10 सेंटीमीटर, और f2 की वैल्यू है माइनस की 5 सेंटीमीटर। दोनों पुट कर दे, देन 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। एलसीएम ले लें इसके, एलसीएम आएगा 10, वैल्यू क्या आ जाएगी 1-2, तो यह आ जाएगा माइनस 1/10, ये इसकी वैल्यू आ गई 1/f की। अब यहाँ से जब मान निकालें, किसका, f का मान निकालें, तो इसको रिवर्स कर दें, तो यहाँ से f बराबर आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो परिणामी फोकस दूरी तो कितनी हो गई, माइनस के 10 सेंटीमीटर हो गई। अब अपने को शक्ति निकालनी है, शक्ति 1/f होती है, p बराबर 1/f, लेकिन वो f मीटर में होना चाहिए, या तो इसको मीटर में बदल लो या सीधा ध्यान रख लो कि 100/f होती है जब सेंटीमीटर में हो, तो 100 में किसका भाग दे दो, माइनस 10 का भाग दे दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 10 t। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस के 10 डाइप्टर। अगर ये भी पूछ ले भाई ये जो संयोजन है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो माइनस है, माइनस उत्तल लेंस की, सॉरी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये जो संयोजन है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल
अपवर्तक पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में एक बिंदुवत वस्तु को रखा जाता है। यदि गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वी का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि अपवर्तक पृष्ठ, इसका मतलब अपवर्तक सतह दे रखी है, तो अपवर्तक सतह का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। जो क्या होता है, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ कि -1/u +μ/v -1/r। चाहो तो आप μ1 μ2 की फॉर्म में लिख सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -μ1/u +μ2/v -μ1/r। तो यहाँ प्रकाश किरण जो है वो अब वायु से होते हुए प्रवेश करती है, इसलिए μ1 का मान वायु के लिए 1 होता है, और बाकी जो μ2 रहा दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम की जगह क्या आ जाएगा, 1.5। तो यहाँ μ1 की जगह 1 आ जाएगा और μ2 की जगह 1.5 आ जाएगा। इसीलिए हमने पहले इसको म्यू की फॉर्म में ही लिख रखा है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। एक ही बात है, मैं लिख देता हूँ यहाँ ओब्लिक लगा के, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या वो भी सही है जो आपको ध्यान रहे उस समय वो यूज कर सकते हो, μ1/u +μ2/v -μ1/r। मान रख दें, अब आपको कैसा सतह दे रखी है, अवतल सतह, ऐसी होती है अवतल सतह, ये अवतल सतह। हमें यहां से दूरियां मापनी है, ये बिंदु P होता है इसके अंदर, तो इसके लिए त्रिज्या क्या आएगी, इधर गोला बनेगा इधर त्रिज्या आएगी, इसीलिए इसके लिए R क्या होगा, R माइनस में होगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो R का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर। U वस्तु इधर ही रखेंगे हम, इसीलिए U का जो मान है वो भी क्या है, माइनस में है 40 सेंटीमीटर, और म्यू का जो मान है वो दे रखा है 1.5। सारी वैल्यू फॉर्मूलेज में पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/u की जगह रखेंगे -40, तो --+40 हो जाएगा, +1.5/v -μ/1 μ/r। तो 1.5 -1/r का मान कितना है, माइनस का 10, तो ये रख देंगे -10। सोल्व कर लें इसे, बस कैलकुलेशन करनी है, v का मान निकालना है, तो ये 1.40 हो जाएगा, 1.5 में से गया 0.5 बचा, तो ये आ जाएगा 1.5/v एज इट इज, और इसको लिख लेते हैं 0.5/10 माइनस का, और ये प्लस 1/40 होगा, इधर आगे -1/40 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 40, 10 का 40 में डिवाइड करेंगे 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2, और ये माइनस का 1, तो कितना हो गया, माइनस का 3/40। हमें वी का मान निकालना है, वी का मान निकालना है, तो रिवर्स कर दो इनको और इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर लेंगे इसको, इसको उल्टा कर दें और वी का मान निकाल लें, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा वी अपॉन 1.5, ये हो जाएगा 40/3 माइनस का, और 1.5 डिवाइड में आएगा वो इधर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.5, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 5 से कैंसिल आउट हो गया, 0.5, 40 को 5 से गुणा करेंगे 200, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे माइनस, तो वी का मान कितना आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये किसकी दूरी आ गई, प्रतिबिंब की दूरी आ गई। तो अपवर्तक सतह से अपवर्तन में जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें से इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपको वी का मान ज्ञात करना है। तो म्यू वन की फॉर्म अपन यूज कर सकते हैं, म्यू वन म्यू टू की फॉर्म, और यू वी की फॉर्म जो है वो डायरेक्ट म्यू की फॉर्म भी ले सकते हैं, कोई भी फॉर्म आप लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा इसके उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसके पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। समतल उत्तल लेंस दे दिया, इसका मतलब हमने लेंस की बात की थी कि एक तरफ का पार्ट समतल है और दूसरी तरफ का उत्तल है, तो उसको समतल उत्तल लेंस कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो लेंस है वो ऐसा है, ऐसा है ये लेंस, ये पार्ट तो हो गया इधर समतल, और ये वाला पार्ट हो गया इधर, ये पार्ट हो गया इधर उत्तल,
ठीक है, समतल उत्तल लेंस कहेंगे। अब दो बातें ध्यान रखने हैं आपको कि समतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, समतल लेंस की फोकस दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है क्योंकि समतल लेंस है ये। तो क्या होगा, ये गोलीय पृष्ठ का भाग ही नहीं है, तो इसके लिए अगर लें कि वैल्यू नियर अबाउट लें तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, अनंत। दूसरी बात, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से इधर आने के बाद, गुजरने के बाद 20 सेंटीमीटर पे यहाँ क्या बन जाता है, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, फोकसित कर देता है ये किरणों को। इसके उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी R1 का मान हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो पदार्थ की अपवर्तनांक की गणना करनी है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, म्यू हमें यहाँ ज्ञात करना है। दिया क्या क्या गया है, दिया गया हमें एफ का मान 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है क्योंकि वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होती है, और वक्रता त्रिज्या जो है वो R1 का मान इसके लिए हमें दे रखे हैं कितना, 5 सेंटीमीटर, और R2 जो है वो समतल लेंस है, समतल लेंस के लिए ध्यान रखिए त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है, अनंत। अब अपने पास देखिए तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, सतह से अपवर्तन के लिए फॉर्मूला जो हमने सॉरी लेंस के लिए, लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमने डेराइव किया था उसका हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि R1 R2 के मान है, एफ का मान है, हमें म्यू का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एफ का फॉर्मूला हमने निकाला था फोकस दूरी का, उसके लिए सोल्व करेंगे हम। फॉर्मूला क्या है, 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। मान रख दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, एफ का मान 20 है तो 1/20, म्यू का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है एज इट इज रख लो, आर की जगह R1 का मान रख दो 1/5 माइनस 1/अनंत, और 1/अनंत क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर अनंत का भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है, तो ये तो गया 0। अब म्यू माइनस 1 आगे कैलकुलेशन आप खुद कर लें, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 जो है वो इधर आके क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, भाग दे दो माइनस 1 का वो इधर आके प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/20, इसका मतलब क्या आ गया, ये 1/4, ठीक है, या सीधा लिखें तो कितना आ गया, 0.25, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 0.25 सीधा लिख दूँ, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, जैसे इजी लगे कैलकुलेशन उसके अनुसार की जा सकती है, 1.25 आ गया, तो इसके जो अपवर्तनांक का मान है वो कितना है, 1.25 है। कंसेप्ट आप ज़रूर ध्यान रखें, कैलकुलेशन आप खुद करने की कोशिश करें, खुद कर लें ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें कम समय में। आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंस जिनमें एक की अपसारक शक्ति 2D तथा दूसरे की अपसारक शक्ति 6D है, उन्हें संयोजित किया जाता है, संयोजन की फोकस दूरी तथा शक्ति की गणना कीजिए। संयोजन की फोकस दूरी बतानी है और शक्ति बतानी है। अपसारक शक्ति का मतलब ये अपसारी लेंस है, यानी अवतल लेंस है। अभिसारक शक्ति का मतलब है कि ये एक लेंस जो है वो अभिसारी लेंस है और उत्तल लेंस है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। अब ये दोनों मैंने नाम एक ही लिख दिया, इसमें अपसारक और इसको अभिसारक कर लें आप, अभिसारक शक्ति अभिसारक, तो अपसारक का मतलब अपसारी लेंस है, अभिसारक का मतलब अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस है, तो प्लस माइनस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपसारक का मतलब अपसारी लेंस है, इसलिए इसकी जो शक्ति होती है वो माइनस में होती है, अवतल लेंस है ये, तो P1 की वैल्यू आएगी -2D, P2 की वैल्यू आएगी +6D। अब क्या किया गया, संयोजन में रखा गया, अब संयोजन की फोकस दूरी तथा शक्ति गणना करो। तो पहले तो शक्ति निकाल लो, शक्ति क्या आ जाएगी, हमें पता है P बराबर क्या होता है, P1 + P2 होता है, तो मान रख दो P1 + P2 का -2D + 6D कितना आ गया, 4D, तो ये तो संयोजन की शक्ति आ गई। पूछ ले कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा ये, तो 4D प्लस का आ रहा है, इसलिए प्लस किसके लिए होता है, अभिसारी लेंस के लिए, अभिसारी की तरह बिहेव करेगा और उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब हम फोकस दूरी निकालें, तो फोकस दूरी क्या होती है, उसके लिए F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100/P आ जाएगा, P इज इक्वल टू 100/F होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100/P आ जाएगा। मान रख दो 100 में 4 का भाग दे दो तो वैल्यू आ जाएगी कितना, 25 सेंटीमीटर। तो परिणामी जो फोकस दूरी है इसकी
वो कितनी आएगी, संयोजन की 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये है। इसमें एक और कंसेप्चुअल बात है जो हमें काम आएगी, ध्यान रखनी है, वो आरम्भ कर लेते हैं अभी साथ में ही। वो ये है कि अगर नोट डाल के लिख लें आप, अगर दो लेंस जो है वो एक दूसरे से संयोजन में तो है लेकिन उनके बीच की दूरी भी है, संयोजन तो है लेकिन उनके बीच के बीच में दूरी भी है, और फिर उस संयोजन के लिए हमें परिणामी फोकस दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए क्या दिया गया है, इसके लिए कंडीशन क्या अपने पास, कि यदि दो लेंस एक्स दूरी पर संयोजन में हो, ध्यान रखना अलग कंडीशन है, संयोजन में हो, तो आप ये पहले तो ये नोट डाल के लिख लें ये बात, फिर बाद में इसके जो क्वेश्चन है वो भी एक क्वेश्चन करके देख लें, बाई चांस पूछ लिया जाए तो। ध्यान रखिए कि दो लेंस संयोजन का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपका कर रखे जाए तो ही संयोजन है, उनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस भी हो सकती है। जैसे एक लेंस ये है, इसका मतलब इस तरह से लिया गया है कि एक लेंस मान लो ये उत्तल लेंस है, दूसरा भी उत्तल लेंस है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, कैसे भी हो सकता है वो। तो अब यहां से कोई प्रकाश किरण जाती है, वो पहले इसमें जाती है, फिर यहां जाती है, फिर अपवर्तन होता है, फिर बाहर आती है, तो ये जो है ये पूरा जो भाग है ये भी एक क्या है, ये भी एक संयोजन है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो दे रखी है हमें कितनी, x दे रखी है। तो इस स्थिति में परिणामी फोकस दूरी क्या होगी, वो ध्यान रखनी है आपको। परिणामी फोकस दूरी वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, जब बिल्कुल ये चिपके रहते हैं इस तरह की कंडीशन जब रहती है, तो उसके लिए हमने सॉल्व कर लिया, पहले ले चुके हैं बात कि 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू है। लेकिन इसका भी ध्यान रखें, सिलेबस में पता नहीं ये बात दे रखी है नहीं दे रखी, लेकिन छोटी सी बात है, जरूर आप इसको ध्यान रख लें, कहीं ना कहीं काम आएगी। 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू माइनस एक्स अपॉन एफ वन एफ टू, यानी उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। ये आप नोट डाल के लिख लें ये बात, और ये फॉर्मूला अगर ऐसी स्थिति बाई चांस आ जाती है, शायद नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रख लें, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस एक्स अपॉन एफ वन इंटू एफ टू। अब इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा एक अवतर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इन्हें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इनके तुल्य लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो हमें गणना करनी है, इसके लिए हमें दूरी दे दी, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ध्यान रखना है कि अगर ऐसा आ जाए बाई चांस तो ध्यान रखना है, अगर बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो वो एक माइनस एक्स अपॉन एफ वन इंटू एफ टू भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फोकस दूरी ध्यान रखना है, कौन से लेंस की, उत्तर लेंस की पॉजिटिव होती है, तो एफ वन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एफ टू की वैल्यू कितनी है, अवतर लेंस है तो किसमें आएगी, माइनस में, इनको हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और वन अपॉन एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या है, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस एक्स अपॉन एफ वन इंटू एफ टू। वैल्यू पुट करें, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20 माइनस 5 अपॉन 10 इंटू 20, 200 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 40 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 40। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया कितना, 40, 4 डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1 बाय 40। तो ये सॉरी, ये इसके अंदर अपन ने वैल्यू गलत पुट कर दी, यहां देखो
एफ वन इंटू एफ टू है, तो एफ वन तो प्लस का 10 है, एफ टू माइनस का 20 है, ये ध्यान रखिए, भी यहाँ गलती होगी तो ये माइनस 200 आएगा, माइनस 200, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी तो ये भी प्लस हो जाएगा और यहां पर भी प्लस आ जाएगा, इसीलिए ये 4 प्लस 1 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अभी करेक्शन कर लेना आप, 3/40 आ जाएगा। हमें f का मान निकालना है तो f का मान आ गए हैं कितना, 40/3, डिवाइड कर दो 13 पे जाएगा तो 13 point something आ जाएगा, 13.3 आ जाएगा, मीन नियर अबाउट सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर बीच में संयोजन में बिल्कुल, संयोजन का मतलब वैसे तो क्या रहता है कि दोनों लेंस एक दूसरे के सटे हो, बिल्कुल लगे हो, अदरवाइज संयोजन का मतलब ये भी हो सकता है कि वो उनके बीच में दूरी हो, दूरी होगी तो आपको बिल्कुल लिख दिया जाएगा कि इनके बीच में दूरी कितनी है। इस तरह से हम क्वेश्चन जो है वो हमने लगभग सभी तरह के क्वेश्चन कर लिए, फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए अपने बुक में से क्वेश्चन कर लें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आरबीसी के अनुसार देखें तो क्वेश्चन नंबर डाल दें, कोई और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की फोटो डाल दें, प्रॉब्लम क्लास में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर कोई दिक्कत आएगी तो, वरना नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहें, रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें।